अच्छा, आज हमारे साथ स्वदेश के सबसे चहेते फंड मैनेजर, सबसे फिटेस्ट फंड मैनेजर और बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर, हमारे सपोर्टर, हमारे साथ अतुल सूरी जुड़ रहे हैं। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। 18 ऑफ स्वदेश की सेकेंड एनिवर्सरी पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो लास्ट अपने 6-8 महीने में क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आपने कुछ पोजिशन ट्रिम की हैं पोर्टफोलियो में? हमारा एक्चुअली अबाउट 6-9 महीने पहले हमारा जो एक्सपोजर रहा है वो हमारा हाईएस्ट वेटेज है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है। दूसरी बात है इंजीनियरिंग जो है, और थर्ड है डिफेंस। तो ये हमारे एक ओवरवेट थीम्स रही हैं। हमारा अंडरवेट थीम रहा है लार्ज कैप बैंक्स और आईटी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है? उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक जो चेंज हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में, हमने देखा है कि हमारा जो फार्मा में वेटेज है वो बढ़ गया है। क्या बात है। देखिए 2020 में जब कोविड हुआ उस समय एक्चुअली फार्मा सेक्टर टॉप आउट हो गया और उसने उसके 2 साल बाद कुछ नहीं किया। बट हमारे पोर्टफोलियो में जो हमारा प्रोसेस है, हमें फिर से दिख रहा है काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज में जो नंबर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अर्निंग्स। 2-2.5 साल से आप डिफेंस में काम कर रहे हैं और उसमें ब्लूआउट्स आते हैं। अभी पिछले महीने जब ये अपना G20 हुआ और एक ब्लू आउट वापस से आने लगा, तो क्या अर्ली आपने बेट्स ली थी, अभी भी होल्ड कर रहे हैं या इन ब्लू आउट्स में आप ट्रिम भी करते हैं? मुझे लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ा है। पहली चीज़ देखिए कि ये जो एक सेक्टर है वो 10 साल से चला नहीं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि जब ये 10 साल के कंसोलिडेशन से कोई भी स्टॉक या ट्रेंड बनता है, 6 महीने साल में ख़त्म नहीं होता, वो काफ़ी साल चलता है। तो एक तो भाई ये अंडर ओन्ड थे, डिसलाइक्ड थे, अंडर रिसर्च थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा है साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनमें क्या है, साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी। अब जो ऑर्डर्स हैं, देखे कल ही थे ऑर्डर्स जो एग्जैक्टली जो ऑर्डर्स आए हैं वो इतने बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अब बात है एग्जीक्यूशन की, अब वो तो टाइम ही बताएगा, बट द वे द गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अप्रोच है, अब होल्ड कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये अगर ये एग्जीक्यूट कर पाएँ ये काफ़ी बड़ी स्टोरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब अलॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स ये भी रिस्क रहते हैं, अच्छी स्टोरी में दे गॉट इन एट द राइट टाइम, लेकिन जल्दी सेल आउट कर गए, तो ये होल्ड है आपके हिसाब से? अभी ट्रेंड की स्ट्रेंथ कोई नहीं जानता, वो तो समय ही बताएगा, बट द ब्यूटी इज कि जब तक वो ट्रेंड वायलेट नहीं होता है आप उससे क्यों छेड़छाड़ नहीं करते हैं? अगर अच्छा साइन जाने दीजिए, अगर अच्छा स्टॉक आ गया, जिंदगी में बहुत कम बार अच्छे स्टॉक मिलते हैं, बट जब मिलते हैं दे आर गेम चेंजर्स एंड यू नीड टू गिव इट दैट टाइम। बहुत बड़े पॉइंट बोला आपने। अच्छा, इंजीनियरिंग हमने देखा कि आपने वही कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का, ये भी एक मल्टी $1 trillion थीम इंडिया में बन रहा है और डेटा स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। आपने ये जो स्टॉक्स हैं आप अच्छे, यू आर डीप इन द मनी आई एम श्योर, अभी आप होल्ड कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टॉक्स को? मुझे लगता है क्योंकि देखिए ये भी जो है ये डिकेडल अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं। 2008 में टॉप किया था ये, 2021-22 तक इनके कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं थे, लेकिन जब ये चले हैं ये अब 1 साल में ख़त्म नहीं होगा। द थिंग इज़ के मैंने ये देखा था कि 2003-2008 में भी ऐसे ही जो था, जो कॉम्पोजिशन ऑफ रैली थी वो बहुत सिमिलर थी कि ये था कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, जो डोमेस्टिक फेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फेसिस है। तो जब डोमेस्टिक साइकिल चेंज होता है ये 6 महीने साल की स्टोरी नहीं होती, ये 3-5 साल की स्टोरी होती है, और हमें अक्सर लगता रहे ये तो बहुत बढ़ गया, बिकॉज हम एक कंडीशनड होते हैं, हमारा माइंड जो होता है बस उतने ही स्टेजेस में सोचता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें तो मार्केट हैज़ अ वे ऑफ सरप्राइजिंग, तो इसलिए कहते हैं हम ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, हम ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं करते, क्योंकि सच्चाई ये है अजय आप और मैं, हम दुनिया इतनी चेंज हो रही है इतनी फास्ट, हम नहीं क्वेश्चन इज के बस ट्रेंड क्या दिखा रहा है। हमारा काम है कि हमारी जो शिप है उसको नेविगेट, समुंदर में आप बोट चला रहे हो, हवा कभी ऐसे आती है कभी ऐसे आती है, आप बोलोगे कि 6 घंटे बाद ऐसा होगा कोई नहीं जानता, ये है मदर नेचर। हमारा काम है कि हम एज अ कैप्टन इतना जल्दी उस बोट को मूव कर पाए कि भाई हम विंड के साथ हो, नहीं तो समुंदर मार्केट इतना स्ट्रांग होता है ये आपको एक झटके में तोड़ देगा। अच्छा, फाइनेंशियल पे आपने थोड़ा अंडरवेट कर लिया था, इनफैक्ट लास्ट कुछ महीनों से बैंक निफ्टी भी काफ़ी लैकलस्टर हो गई, टॉप कर ये आपके प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक पहले टॉप आउट किए PSUs उससे पहले, अब PSU बैंक्स वापस आते दिखते हैं, आपने फाइनेंशियल्स को कितना बड़ा हिस्सा बना रखा है अपने पोर्टफोलियो का? देखिए फाइनेंशियल्स में मैं अंडरवेट हूँ वो लार्ज बैंक्स में जो फेमस नेम है। मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है NBFCs में, मुझे लगता है कि वहाँ जो है वहाँ पर अलग स्टोरी है।
तो जो एब्सोल्युटली बिकॉज एक सेक्टर जो होता है वो भाई इतना बड़ा सेक्टर है, उसको आपको सेगमेंट करना पड़ता है. बैंक्स और फाइनेंशियल्स आप देखें तो भाई मार्केट का मतलब 30% जो भी है इसका परसेंटेज है, बट अगर आप उसको सेगमेंट करें तो आप देखेंगे कि बस PSU बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अलग चाल है, NBFCs में अलग चाल है. NBFCs की चाल भी तगड़ी इस बार, तो रिजल्ट भी बहुत लास्ट 4-5 क्वार्टर. आपने कौन से नाम बना रखे हैं? घूम फिर के हमें क्या है 20 स्टॉक रखने हैं, 22 स्टॉक पोर्टफोलियो में, तो आपको भाई सिलेक्टिव होना पड़ेगा. कारपेट बॉम्बिंग अगर आपको इंडेक्स कराना है तो आप 50 आपके पास कितने NBFC स्टॉक्स हैं? दो स्टॉक हैं, बट उनका एलोकेशन हम ज्यादा है तो बट 10% एलोकेशन NBFC में ही है. आपको पूरा कंफर्ट है NBFC रैली में? मुझे लगता है. और ये जो नाम भी है ये एकदम मार्की टॉप नेम्स हैं, उनके नंबर्स भी आ रहे हैं और प्राइस सेगमेंट है. अगर तीनों एरोज ऊपर हैं और ट्रेंड ऊपर है तो देन वी डोंट फाइट इट. परफेक्ट. तो NBFCs पे आपने क्लियर कॉल दी. IT की अंडर परफॉर्मेंस और उस पर दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं. इस बार हमने देखा कि IT में फंड मैनेजर ज़्यादा बुलिश हो गए, प्रमोटर खुद बुलिश नहीं है अपनी कंपनी में, कॉशियस थे वो. उसके बाद अंडरओन से थोड़ा सा रिवर्सल आया. आपको लगता है टाइम आ चुका है IT का या अभी अर्ली होगा? नहीं, मुझे लगता है कि IT में भी जो है ना कि हमें लार्ज कैप और मिड कैप में सेग्रेगेट करना पड़ेगा. बिकॉज क्या है कि हम देखिए इसको एक और स्टेप लेता हूँ. हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंडिया में जो सेक्टर इंडाइसिस क्रिएट किए हैं ना ये बहुत लंपी होते हैं. ठीक है, आपने कैप्चर नहीं, ये कैप्चर नहीं कर रहे. तो हमने क्या है, हमारे खुद थीमेटिक अबाउट 40 इंडेक्सेस बनाए हैं. अच्छा. वो हमारे बीस्पोक इंडेक्सेस हैं. हमने सब स्टॉक्स को एक्चुअली धंधे के बेसिस पे बाइफर्केट करके हमारे प्रोप्राइटरी जो है इंडेक्सेस हैं. जैसे आप देखें पेंट्स, टायर्स, शुगर. सही है. तो ये क्या ये इनके है ही नहीं. NBFC अलग, प्राइवेट बैंक अलग, पब्लिक बैंक अलग, लार्ज कैप IT अलग, स्मॉल कैप मिड कैप IT अलग. तो अब लार्ज कैप मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप की स्टोरी अलग है, मिड कैप की स्टोरी अलग है और लार्ज कैप. अच्छा, हमने इस बार देखा इस क्वार्टर गॉन बाय में कि TCS, इंफोसिस और HCL टेक, टेक महिंद्रा कॉशियस गाइडेंस दे रहे हैं. यही एम्फोसिस और कुछ और KPIT बुलिश गाइडेंस दे रहे हैं. तो एक ही सेक्टर में डाइवर्जेंट ट्रेंड्स. तो आप मिड कैप IT बुलिश हैं? बिल्कुल. बिकॉज और दूसरा, जैसे ये इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं मार्केट कैप लिंक्ड होते हैं, तो इनमें जो बड़ी 3-4 कंपनीज हमने बताई वो ही इंडेक्स को मूव करते हैं. छोटों का कोई वैल्यूएशन. आप बैंकिंग में भी देख लीजिए, अगर आप PSU बैंक का वेटेज देखें तो कुछ नहीं है. एक SBI छोड़ के किसी का वेटेज नहीं है. बट यहाँ पे इतनी तेजी है आप उसको बैंक निफ्टी में नहीं कैप्चर कर सकते जब तक आप मार्केट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे. जैसे हमने किया, हमारे ऑलमोस्ट 42 प्रोप्राइटरी इंडेक्सेस हैं. तो उसमें क्या है, हमको हम उसको थीमेटिक बताते हैं और घूम फिर के हम उस थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा, केमिकल्स आपको लगता है बॉटम आउट हो गए या अभी ये कन्फ्यूजन है? नहीं, केमिकल्स तो अजय मेरा एक्चुअली सबसे फेवरेट सेक्टर था 2-2.5 साल पहले. हमारा हाईएस्ट ओवरवेट था, बट ओवर द इयर्स जो है एक्चुअली वो काफ़ी झड़ गया है एंड वी हैव अ वेरी स्मॉल वेटेज टू दैट. बट मेरा कंसर्न ये है कि इनमें एक पहले तो था कि ये बहुत एक बहुत लंबा रनवे है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ. बट एक वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं. बट मुझे लगता है कि जो मार्जिन कंप्रेशन है ना वो बहुत इशू. और जैसे हमने कच्चे तेल की बात की है तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम रहेगी. तो इस हिसाब से एक बाजार जिसमें इतने सारे सेक्टर्स चल रहे हैं और जैसे बोला कि हमारे पास तो हमारे गन में हमारे पास तो 20 ही बुलेट्स हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें थोड़ा जरा हमको जो है हवा के साथ चलना पड़ेगा. अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, मतलब कि स्मॉल कैप मिड कैप, एक ऐसा वेटरन फंड मैनेजर जो आपने बाजार का लास्ट डेकेड्स का वो देखा है, पार्टिसिपेशन, तेजी मंदी, इन्वेस्टर बिहेवियर और इंडिसीज क्या कह रही हैं चार्ट्स. आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर HNI आपको बहुत फॉलो करते हैं हमारे व्यूअर्स, मिड कैप स्मॉल कैप में 100 रुपया 200-300 रुपये बन चुका है लास्ट 2-3 साल. क्या इस समय प्रूडेंट रहेगा थोड़ा प्रॉफिट ले लेना, क्योंकि इसका ये खींच भी लेता है पैसा स्मॉल कैप मिड कैप? बहुत सही बताया आपने कि ये मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है, कि मैं इसको बहुत सिंपलिस्टिकली बताऊं कि मतलब दो तरीके से. एक तो अगर आप प्राइस चार्ट देखें जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेना, ट्रिम डाउन करना, उसको चेस करना मेक्स लॉट ऑफ सेंस. बिकॉज मैंने देखा है इस बाज़ार में 90 डिग्री के एंगल जो है सस्टेन नहीं होते. करेक्शन, अगर ये स्टॉक अच्छे भी हैं इनमें करेक्शन आएगा, इनमें करेक्शन भी शार्प आता है. तो एक बार जो है सिंपलिसिटी में बताता हूँ कि अगर 90 डिग्री के एंगल है तो बहुत ध्यान रखिए. और दूसरी बात के जैसे हम तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, हम उनका फंडामेंटल्स देखते हैं. जहाँ पे फंडामेंटल और वैल्यूएशन नहीं है वो हम वहाँ पे नहीं हाथ लगाते. और इंटरेस्टिंग पार्ट
स्मॉल और मिड कैप में इतना डाइवर्स है, इसमें आज भी आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं जो एक लो डबल डिजिट पी के है, 10, 12, 15, 18 पी के अभी भी स्टॉक्स अवेलेबल है जहाँ पे अर्निंग्स है। करेक्ट होगा मार्केट, यहाँ भी होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, करेक्शन में कुशन रहेगा और जब से मार्केट टर्न अराउंड होगा ये वापस हो जाएंगे। तो आप अगर इसमें खेल रहे हो एट दिस स्टेज, यस रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, बट यू हैव टू बी सेंसिबल अबाउट इट। राइट, ऑल राइट अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमेशा हमें प्यार देने के लिए और गाइडेंस देने के लिए। गाइस बैक टू यू, थैंक यू।